नमस्कार दर्शकों, ईटानगर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम आप सभी को पता होगा और शायद उनके बारे में आप सभी ने सोशल मीडिया में जाना होगा। दर्शकों, आप सभी को मैं सबसे पहले ये बता दूं कि उन्होंने अभी अभी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट में ST कोटा में फर्स्ट रैंक मिला है उन्हें ऑल ओवर द इंडिया, और ऑल इंडिया रैंक में वो 84th नंबर में है इस एंट्रेंस एग्जाम पर। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ताना प्रीति। तो प्रीति, आप अरुणाचल से ST कोटा में इस एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक पर आई हो और ऑल ओवर इंडिया में 84th रैंक पर, तो कैसे आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ और कैसा रहा, अभी फिलहाल कैसा लग रहा है आपको इस मुकाम पर पहुँचने पर? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक कि ऐसे एजुकेशन में अगर कोई एक्सलेंसी दिखाते हैं तो आप लोग ऐसे इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ एनकरेजिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग देयर बेस्ट। और यदि जर्नी का स्टार्ट कैसे हुआ पूछने से, इट एक्चुअली स्टार्टेड जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे। अपना इंटर्नशिप करते करते एक होता है कि नेक्स्ट क्या करना है अब, तो उसी पे मेरे लिए एक्चुअली कन्फ्यूजिंग था कि या APPSC के लिए कर जाऊँ या फिर कंटिन्यूएशन टू मास्टर्स। तो आफ्टर गिविंग अ लॉट ऑफ थॉट कि यही डिपार्टमेंट बिगिनिंग से चुना है तो आई विल कंटिन्यू विद दैट। फिर देयर इज़ टू वेज दैट वी गेट PG के लिए, तो एक तो वी कैन क्लियर नीट एग्जामिनेशन और दूसरा है जो INICT है। INICT में द मोस्ट रिकॉग्नाइज बहुत सेंट्रल जो कॉलेजेस होते हैं जैसे कि AIIMS, JIPMER, PGIMER, तो सबका एक ड्रीम होता है कि वी वॉन्ट टू गेट थ्रू इट। तो वही होप लेके आई प्लान की राइट आफ्टर इंटर्नशिप हमको कोचिंग करना है, इसके लिए प्रिपेयर करना है एंड देन एग्जामिनेशन एंड दिस इज नाउ। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है कि आपने कुछ अचीव किया है या फिर आपने सोचा था कि इतना तक अचीव कर लूँगी? टू बी ऑनेस्ट, खुद पर इतना डाउट तो नहीं हुआ बिकॉज I want to be like very much good in what I do. तो hard work बहुत लगता है, तो beginning से एक थोड़ा hope था कि शायद और कोशिश ज़्यादा करे तो मिल जाए, तो वही hard work तो बहुत क्या है। एट दिस मोमेंट अभी भी इतना बिलीव नहीं हो रहा है कि आई एक्चुअली अचीव दिट, बट इतना ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्सेस देख के तो काइंड ऑफ ड्रीम कमिंग ट्रू। तो आपने बहुत ही छोटे जगह से, हमारे अरुणाचल प्रदेश से बालीजान से आपने VKV कम्प्लीट किया, उसके बाद हमने देखा कि आपने गुवाहाटी से भी बैचलर किया है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो आप मतलब इस तरह के बहुत सारे आपने मतलब कोर्सेस किए हैं और उसके बाद डिग्री तो किया है, उसके बाद भी आपने कोर्स भी किया है, मतलब आपको ये सब इंस्पिरेशन, ये सब मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको इतना आगे तक जाना है? एक मेडिकल स्टूडेंट होके लोग ऐसा करते हैं कि हाँ इतना तक पढ़ेंगे उसके बाद ख़त्म करेंगे, इस तरह का होता है, लेकिन आप इतने छोटे एज में इतना तक सोचना, ये सब मोटिवेशन कहाँ से आया? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, मेरे लिए देट वुड बी ए सेकेंड वन। फर्स्टली आई वॉन्टेड टू बी माई सेल्फ इंडिपेंडेंट कि लाइफ टाइम किसी पर डिपेंड करके नहीं रहना है, तो कुछ अगर अच्छा करो, बड़ा करो, फिनेंशियली तो इंडिपेंडेंट रहेंगे तभी जाकर अपना परिवार को देख सकेंगे। सो कीपिंग दैट इन माइंड कि सबको देखना है तो खुद पहले इंडिपेंडेंट होना है, वही सोच के आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट। ओके, तो आपका चाइल्डहुड के बारे में बताइए। पहले आप VKV बालीजान से किया है, उसका फिर ईटानगर में आपने आके VKV किया है, कैसा रहा VKV का सफ़र? आई डोंट नो कि अभी का VKV कैसे चलता है, बट हमारे टाइम में तो इट वॉज काइंड ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, गेट का बाहर झाँक के भी नहीं देखना है, इट वॉज वेरी कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर कंपाउंड। बट इतना सारा एक ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट्स के साथ साल भर रहना, एक्चुअली काइंड ऑफ वन दिक्कत मेरा हॉस्टल में रहा है VKV बालीजान में, तो फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माई लाइफ की उसी पे मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ऑल दोस टैलेंट एंड इंटरेस्ट, वो लोग इतने फोकस करते हैं उस पर कि एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी ध्यान दें, नॉट जस्ट स्टडीज। तो आई फील लाइक VKV हैड प्लेड अ ग्रेट रोल इन मोल्डिंग अस टू व्हाट वी आर टुडे। और जैसे कि हमने आपसे इंटरव्यू लेने से पहले आपके डैड से हमने फ़ोन में बात किया था, मुझे कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था आपका डैड की तरफ से, शायद क्या वो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं आपका पढ़ाई को लेके या फिर स्ट्रिक्ट रहे?
strict in a good way, but support ke mamle mein he is the best that I can ever ask for. Because jab bhi hum kuch bolte hai, like humko ye karna hai, I want to achieve this, I want to do this course, kabhi taaka nahi humko ki ye mat karo, humko ye karwana hai tumse, aise force nahi kiya humko, humko jo banna hai wo hi karne diya. Even when just yesterday ka interview mein ye question pucha gaya tha humko, to usi pe bhi maine bola ki when I told ki humko jana hai coaching ke liye, it's far down there south mein, aur akela ladki bhejna parents ke liye obviously concern ka baat hota hai, but then didn't question me, they had trust in me ki hum safe rahenge, I will take care of myself and I will do good. So I feel like he has given me a lot of support in this game. अब जब आपने अचीव कर लिया है तो सोसाइटी में कैसा है अभी माहौल, उसके बाद उससे पहले कैसा था? आई डोंट थिंक सबको इतना पता था अभी तक कि बालीजान कहा है, who I was and मेरा पापा, तो आई फील लाइक काइंड ऑफ मेरा पेरेंट्स के लिए भी प्राउड मोमेंट है कि उन लोग को एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है और हमारा एरिया को, तो आई फील लाइक इट हैज़ ब्रॉट लाइट टू आवर पार्ट, क्योंकि बालीजान इज़ नॉट वेल नोन नाउ, तो शायद अभी उन लोग को पता है कि बालीजान कहाँ है. जी ओके, तो एक मेरा क्वेश्चन हमेशा जहन में आते रहता है कि डेंटल, एज ए डेंटल डॉक्टर आप यहाँ पे अरुणाचल में, कभी भी हमने उतना स्कोप नहीं देखा अरुणाचल में डेंटल डॉक्टर्स लोग के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये मैटर हमेशा दिमाग में सबका रहता है, हम स्पेशली हम डेंटिस्ट वालों को कि वाई नॉट जॉब, हमारे लिए भी नहीं निकलता है पोस्ट. तो थ्रू दिस वे आई वुड लाइक टू अपील हमारा सुपीरियर्स ऑफ द स्टेट की, आप लोग भी अगर इफ पॉसिबल ये मैटर पे थोड़ा सा गौर दीजिए, बिकॉज हमारा भी कोर्स सिमिलर है, MBBS वालों का भी यू नीड 5 years फॉर ग्रेजुएशन, हमारा BDS में भी 5 साल लग जाता है ग्रेजुएशन, एंड आफ्टर दैट मास्टर्स ऑल्सो 3 years सेम, बट जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट सेम हम दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए. तो इफ़ दे लुक इन टू दिस मैटर वी विल बी रियली ग्रेटफुल टू दैम. तो आप बहुत सालों से बाहर भी रही हो, राइट? तो अभी आप अभी भी बहुत यंग लगती हो. अब जाके एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने कंप्लीट कर लिया है, अब आगे आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है? अभी तो फिलहाल जस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है, आई स्टिल हैव टू डू 3 years ऑफ मेरा मास्टर्स कोर्स. अभी तक इतना लॉन्ग रन का प्लान तो नहीं हुआ, बस पहले ये ख़त्म हो जाए 3 years कैसा जाएगा, बिकॉज इट्स एम्स काइंड ऑफ हाईली रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, उस पर हम कैसे ब्लेंड करेगा वो सब पहले आई वांट टू सी कि कितना हद तक हम जस्टिस कर पाए इस एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद. अगर बाहर की बात करें तो अरुणाचली या फिर नॉर्थ ईस्टर्न को बहुत अलग तरीके से देखा गया है. हाँ बेशक अभी थोड़ा बहुत ठीक हो गया है माहौल, लेकिन पहले कैसा था? और क्योंकि आप बहुत पहले से बाहर रही हो, तो आपका एक्सपीरियंस बताइए. अगर टू बी ऑनेस्ट, अभी तक इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला है हम लोग को. आई वाज जस्ट 1 year इन द कोचिंग और ऑलरेडी उसमें इतना सारा इंस्टेंसेस, जैसे कि रास्ते पे अगर जाते हैं तो कैन वी टेक सेल्फी विथ यू, किस कंट्री से आए हो, जापान से, कोरिया से, ये तो जस्ट फ्यू वीक बैक भी हुआ है मेरा साथ. okay. तो इट्स आई फील लाइक ये चेंज होने में लग जाएगा बहुत साल, स्टिल देयर. और बहुत बार तो यहाँ नेपाली लोग आ गए हैं, तो इट्स लाइक मोमो ये सब तो रहता है, तो इट विल टेक टाइम आई गेस. ये चीज़ कभी आपको डिस्टर्ब नहीं किया? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज खराब तो बोलने में किसी को लग सकता है, बट आई फील लाइक वी एक्चुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम द मेनलैंड इंडियन. तो उन लोग, और होता है बहुत लोग जो एजुकेटेड नहीं है, थोड़ा स्मॉल टाउन से, उन लोग का एक्सपोजर भी नहीं होता है, तो आई डोंट माइंड दैट मच, बिकॉज अगर अब तक हमको अगर अब्यूज़ या मोलेस्टेशन या अगर ये सब नहीं हुआ है तब तक इट्स फाइन, बट उतना तक जाने से तो नोबडी कैन स्टैंड दैट. ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अरुणाचल प्रदेश में CBSE का जो एग्जामिनेशन है उसमें परफॉर्मेंस बहुत ही घट रहा है, और लास्ट टाइम कोविड पीरियड में तो और भी ख़राब था. तो एज ए यंग स्टूडेंट और आप फ्यूचर जनरेशन हो, तो आप क्या सलाह देना चाहोगी जो आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स को? सब स्टूडेंट्स का अपना अलग अलग ड्रीम होता है, तो हू एवर वांट्स
स्टडीज एज देयर फ्यूचर, क्योंकि बहुत लोग का आर्ट्स अलग ड्रीम होता है वो सब, पर हर कोई स्ट्रीम में बेसिक स्टडीज तो मैंडेटरी है. तो आई वुड जस्ट लाइक टू मोटिवेट देम यही बोल के कि फ्यूचर तुम्हारा अपना हाथ में है, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स. पेरेंट्स तुमको किस हद तक ले जाएगा, लेकिन जॉब जब सर्च का मोमेंट होता है मोस्ट ऑफ द पार्ट इज टू बी प्लेड बाय यू. अभी अपना जब कोर बिल्डअप का समय में खुद पे ध्यान नहीं देगा तो फ्यूचर में बहुत बैक आते रहेगा, वो सब खुद को डीमोटिवेट करेगा, देन यू वॉन्ट ग्रो एंड प्रॉस्पर. तो खुद का अगर संभाल लेते अभी से, अगर छोटा लोग को मोस्ट पार्ट ऑफ लोग का पेरेंट्स और टीचर्स का हाथ में होता है, बट एज दे ग्रो ओल्डर आई फील लाइक दे शुड लुक आफ्टर देमसेल्फ. ये सोच के कि हमको पेरेंट्स को देखना है, हमको मेरा रिलेटिव्स को देखना है, खुद को पहले संभालना है. तो वही मोटिवेशन में कि अगर वो खुद पे ज़्यादा ध्यान दे तो इट्स वेरी गुड. थैंक यू सो मच तानव प्रीति हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बैठने के लिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए. थैंक यू सो मच. आई वुड लाइक टू सी यू ऑल डूइंग गुड अगेन. थैंक यू. तो दर्शकों ये तो थी तानव प्रीति, जिन्होंने अपनी बातों से और अपने अचीवमेंट से हमें इंस्पायर किया और हम आशा करते हैं कि वो और आगे बढ़े और हमारे अरुणाचल प्रदेश का नाम ऊंचा करे. धन्यवाद आप सभी को ईटानगर न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए.